सर, हमारे जो गेस्ट हैं आज, उनके बारे में मुझे एक चीज कहनी है आपसे। जी जी। आमतौर पे जब कभी कोई खतरा होता है, कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है, हम लोग उस खतरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं जी, लेकिन हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं वो खतरे की तरफ भागते हैं। ये ऐसा एक किस्सा कर्नल मिताली का भी है, मैं चाहूंगा कि वो हमें बताएं उसके बारे में। ओ, हाँ, हाँ। साल 2000 में मैंने आर्मी एजुकेशनल कोर के अंडर कमीशन लिया। उसके बाद मैंने कई सेंसिटिव एरियाज में मेरी पोस्टिंग हुई, जिसमें J&K जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड था। साल 2009 में मैं और मेरे दो टीममेट्स काबुल में पढ़ाने के लिए भेजे गए। उन दिनों काबुल में बहुत सारे अटैक्स होते थे, लेकिन एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे लिए आया जब 26 फरवरी 2010 की सुबह तकरीबन 6 बजे हमारे टीम के ऊपर अटैक आया। मेरे एक दोस्त थे जो यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और इन्फॉर्म किया कि हमारा जो एम्बेसी ऑफ इंडिया का जो फैसिलिटी है वहाँ पे, उसके ऊपर अटैक आया है। जहाँ पे मैं रहती थी ये वहाँ से कम से कम 3 किलोमीटर दूर था, तो मैं वहाँ से निकली और कुछ दूर हिचहाइक करते हुए और कुछ दूर दौड़ते हुए उस आवाज़ से, एक्सप्लोजन की आवाज़ जहाँ से आ रही थी उस ओर, और धुआं भी निकल रहा था बहुत सारा, उस ओर दौड़ के पहुँची विदाउट नोइंग कि वो अटैक हमारे लोगों के ऊपर ही था। वहाँ अफरा तफरी मची थी और बहुत ज़्यादा धुआँ, एक्सप्लोजन और क्रॉस फायर ऐसा चल रहा था। ये जो क्रॉस फायर था, इस दौरान काफी लोग इलाके के बीच में फंसे हुए थे, जिनकी मदद के लिए हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया लोकल हेल्प के साथ। तब मैं लोकल लैंग्वेज बोलती थी और हथियार तो था नहीं मेरे पास, ना ही मैं वर्दी में थी, तो मैंने लोगों को कुमा मतलब हेल्प करिए करके बोला। और अफगानी जो है वो देर इन लव विद द इंडियंस, वो हिंदुस्तानी लोगों को इतना पसंद करते हैं, तो अपने आप आए वो और अपनी अपनी गाड़ियां घर से लेके आए, और एक एक करके हमने इस गोलीबारी क्रॉस फायर के दौरान काफ़ी रेस्क्यू किया। उनको एक सिक्योर जगह में लेके गए जो लोग वहाँ थे, और जो इंजर्ड लोग थे हिंदुस्तानी भी थे और बहुत सारे अफगान्स भी थे, उनको डिफरेंट हॉस्पिटल में पहुंचाया। तो मुझे इस रेस्क्यू मिशन के लिए भारत के राष्ट्रपति से ये अवार्ड 2011 में मिला सर। उसके लिए मेरे साथ 21 वर्ष की साधना है। बहुत बहुत बधाई आपको। वो 21 वर्षों में हर वर्ष मालूम नहीं एक वर्ष में कितनी बार मंदिर जाके मेरे लिए वो प्रार्थना करती रही है कि मेरा भाई इस हॉट सीट पे पहुंचे, तो मैं आपसे आके मिलूं। उसकी तमन्ना आपसे मिलने की और वो मेरे लिए ये तमन्ना करती है कि मैं हॉट सीट में आऊं तो वो आपसे मिलेगी। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ जाइए। जैसा कि आपने कहा, 21 वर्ष लग गए आपको परिश्रम करते करते, और आपको हम आज यहाँ पा करके, आज पहले एपिसोड के पहले कंटेस्टेंट आप बनते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत मैं तो बिलीव नहीं कर रहा हूँ सर, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इस जगह पे बैठा हूँ। मेरे लिए बहुत कल्पनातीत चीज है, मतलब जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता सर, मैं विश्वास कर ही नहीं सकता। तो देवेंद्र सिंह मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ से दुली चंद अग्रवाल जी। ये एक प्रोफेसर हैं जी। दुली चंद जी, आपका जो नाम है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हमको बताएंगे ऐसा नाम क्यों रखा गया या इसका अर्थ क्या होता है? बहुत समय तक तो मुझे भी नहीं मालूम था इस दुलीचंद नाम का अर्थ क्या होता है। मैं जिस पिथौरा नामक गांव में रहता था वहां पे एक दुलीचंद अग्रवाल नाम के कपड़े के बहुत बड़े व्यवसायी उस समय रहा करते थे। वो सबके दिमाग में था, वो मेरे पिताजी के भी दिमाग में था कि जब दुलीचंद अग्रवाल नाम का इतना बड़ा व्यवसायी है, वो इतना पैसे वाला है, इतना धनाढ़ है, इतना संपन्न है, तो कल को मेरा बेटा भी उस स्थिति में पहुंचेगा तो क्यों ना इनका नाम दुलीचंद रख दिया जाए। लेकिन सर क्या हुआ, जब मैं कॉलेज में आ गया तो मेरे दोस्त लोग मुझको बोलते थे, भाई क्या नाम है तुम्हारा? दुलीचंद बहुत पुराना नाम लगता है। तो मेरे एक दोस्त ने उस समय मेरे से कहा, तू DC बहुत अच्छा लगता है। हे भगवान। लेकिन दुलीचंद जी आपका नाम बहुत सुंदर है। नहीं, मुझको आप DC कहेंगे मुझे बहुत सर, प्लीज प्लीज जी मत लगाइएगा, लेकिन DC बोलिए सर। क्या है, आपको अच्छा लगेगा जी? हमको लगेगा कि करंट हो गया ये। DC AC करंट होता था ना हम हमारे बचपन में सर, पर DC होता था उस जमाने में, कहीं पर लगा दिया तो चिपक जाते थे वहां। यहाँ वो स्थिति नहीं आएगी सर।
क्यों आप हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहते? नहीं नहीं बिल्कुल आप ही के साथ सर। ऑलराइट पुलकित, हमारे जो ज्ञाननाथ जी वो चाह रहे हैं कि सबको आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिखा दिया जाए, तो कैन यू सी द रिपोर्ट कार्ड ऑफ पुलकित प्लीज। ये आ गया आपका रिपोर्ट कार्ड, पुलकित गैराय ऑल्सो नोन एज गोलूमल, ये बिल्कुल सही नाम चुना है आपके लिए। आर्मी पब्लिक स्कूल में आप पढ़ा है, आपको क्या पसंद है? स्टडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग एंड साइकिलिंग, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है आपने। और डिसलाइक्स पीपल पुलिंग हिज चीक्स। अब भाई साहब ऐसे गुब्बारे जैसे गाल आप लेकर के चलेंगे तो कोई ना कोई तो उनको करेगा ही, है कि नहीं? आपको अच्छा नहीं लगता है? सर दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे वो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहे हैं। एक से एक बढ़ करके जितने भी कंटेस्टेंट यहाँ आ रहे हैं, एक गए नहीं दूसरे आ गए, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑल राइट, थैंक यू सर। पेरेंट्स रिमार्क, पुलकित इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड गेट्स इजिली इरिटेटेड। इतना तो साइज है आपका, शॉर्ट टेम्पर कैसे हो गए आप? सर वो मतलब इरिटेटिंग लगता है। क्या इरिटेटिंग लगता है आपको? सर जैसे कोई गाल खींचता है तो एकदम से झट्टे से गुस्सा आ जाता है, सर मेरी इनर फीलिंग है। ये अंदर की फीलिंग है? यस सर। यानी गुस्सा आपको अंदर आता है, बाहर नहीं निकलता ना? नहीं। ये बहुत अच्छी बात। तो जब आपको गुस्सा आता है तो आप करते क्या हैं? सर मैं क्या करते, जैसे मम्मी पापा के साथ कभी आर्गुमेंट हुआ। अच्छा, वहाँ भी आर्गुमेंट होता है? हाँ सर। ओके सर, तो फिर मैं उनसे कुछ देर तक बात नहीं करता हूँ, फिर जब बात अपने आप नॉर्मल हो जाता हूँ। वो बात करना चाहे तो? सो वो भी नहीं करते, अपने आप से अंदर में ही आ जाता है कि अब बात करनी है, अब छोड़ो गुस्सा, फेंक दो गुस्सा। अच्छा, ये भी आपके अंदर ही से आता है? हाँ सर। ये सही बोल रहे हैं या आप नहीं छोड़ रहे हैं? ऐसे जी सर, यही बोल रहे हैं। ऐसा ही है ये? हाँ सर।